नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पैट भर्ती की फाइनल आंसर की में दोस्तों सभी शिफ्ट में 4 से 5 अंक तक के बोनस आपको मिलेंगे। जी दोस्तों, सभी शिफ्ट में नंबर बढ़ने वाले हैं। OMR स्कैनिंग का कार्य चल रहा है दोस्तों। फाइनल आंसर की आपके या तो रिजल्ट से पहले आएगी या तो फिर दोस्तों रिजल्ट के साथ जारी की जाएगी। तो कितने अंक तक के आपको इसमें बोनस मिलेंगे और रिजल्ट 10 नवंबर को अपडेट आ रही कि रिजल्ट बोर्ड जारी करेगा। यूपी ट्रिपल एस सी ने पैट भर्ती की जितने भी OMR शीट हैं उनको स्कैनिंग का काम चल रहा है दोस्तों। प्रत्येक दिन लगभग 30 से 40 हज़ार OMR स्कैन हो रही हैं, क्योंकि दोस्तों बड़ी संख्या में छात्रों ने एग्जाम में भाग लिया है। 37 लाख से और 58 हज़ार विद्यार्थियों ने आवेदन किया था, 37 लाख के आसपास, इनमें से 30 लाख के आसपास विद्यार्थियों ने एग्जाम दी है। पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अभी दोस्तों आपकी जो आंसर की आई है उसमें आपको सूचित किया गया है कि अभी जो उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए सुविधा पृथक से आयोग की वेबसाइट पर दी जाएगी, यानी कि आपको ऑब्जेक्शन लगाने का समय दिया जाएगा। ऑब्जेक्शन लगाने के बाद आपकी फाइनल आंसर की और रिजल्ट दोस्तों जारी होगा। अगर बात करें ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन, तो प्रत्येक शिफ्ट में जो 15 व 16 अक्टूबर को 4 शिफ्ट में पेपर हुआ था, दो दो शिफ्ट हुई थी दोस्तों, उन चारों शिफ्ट में प्रत्येक शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन गलत हैं, जिसकी जगह आपको बोनस अंक मिलेंगे। यूपी ट्रिपल एस सी आयोग इसका रिजल्ट जारी करेगा। अगर उपस्थिति देखी जाए तो लगभग 230 लाख, 28 से 30 लाख विद्यार्थी एग्जाम में भाग लिया है। इसके अंतर्गत दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी के अंतर्गत एक और मांग की जा रही कि एक समान कट ऑफ की, एक समान कट ऑफ के साथ साथ दोस्तों 3 वर्ष की इसमें जो है छूट होनी चाहिए, यानी कि 3 वर्ष तक ये वैधता रहनी चाहिए। क्योंकि बार बार अगर स्टूडेंट पैट की ही तैयारी करते रहेंगे, पैट की कट ऑफ को ही दोस्तों यहाँ पर देखते रहेंगे, उस पर ही अपना